साउथ इंडियन मूवीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी ज़्यादातर मूवी जो होती हैं सस्पेंस थ्रिलर होती हैं और एक्शन से भरी हुई होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वी। मैं हूँ रिकी ठाकुर और रिकी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों वी मूवी की बात करें तो वी मूवी का नाम ही बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसकी वजह से आपको फिल्म में क्यूरियोसिटी बन जाती है, लेकिन फिल्म देखने के बाद आपको इसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है, क्योंकि एंड में आपको जिस विलन से आप नफरत कर रहे थे पूरी फिल्म में, उस विलन से ही आपको प्यार हो जाता है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तो है, लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं लैग कर जाती है, वो भी इसकी एंडिंग की वजह से। चलिए तो बात कर लेते हैं इसकी कहानी की। एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है और एक साइको किलर होता है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को चैलेंज कर देता है, और फिर क्या होता है, मर्डर पे मर्डर और फिर सस्पेंस थ्रिलर सब कुछ होता है। लेकिन एंड में जब कहानी खुलती है, जब फिल्म का एंड होने को आ रहा होता है, तो आपको कुछ पॉइंट उसके खटक जाते हैं। फिल्म की डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छी है, एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से फिल्माए गए हैं, लोकेशन भी अच्छे तरीके से उन्होंने यूज किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस की। नानी ने अपना किरदार को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है, वहीं सुधीर बाबू ने भी काफी अच्छी कोशिश की है। बात करें नवेदा थॉमस की तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया है, उनका स्क्रीनिंग टाइम बहुत कम था। वहीं अदिति राव हैदरी ने कम टाइमिंग में भी अपना जबरदस्त जलवा दिखाया है। फिल्म काफी अच्छी हो सकती थी, लेकिन डायरेक्टर और राइटर फिल्म की कहानी में थोड़ा सा ऊब जाते हैं। कहां पे जो कड़ियां जोड़नी थी वहां कड़ियां जोड़ने में थोड़े से नाकाम हो जाते हैं। अदरवाइज ये भी एक साउथ इंडियन का मास्टरपीस बन के सामने आते। तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने ये वी मूवी देखी है वो बता सकते हैं कि उनको कहां कमियां नजर आई, उनको फिल्म कैसी लगी, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।